कांतर सुजे पुंडरी का चेपना तू पुंडरी का चेपना तू पुंडरी का चेपना तू वामस्ते जल्दी लगला ओम नारायण नमः केशवाय नमः माधवाय नमः ऋषि केशाय नमः वास्तु तक्षाल ने हाथ लो देवाम नमाम गिरजात्मजमी के दंता सिंदूर चर्चित वपुष्प विशाल तुंडा नागेन्द्र मंडित तनुति सिद्धि बुद्धि सेव्यम सदा सर्वगणैः सकलार्थ सिद्ध है समकस्य दंतस्य कपिलो गजगण काल मधुर स्विग्ध विघ्नास विघ्नायक धूम्रके दुग्णा दक्षो भालचंद्र गजन द्वादशितानि नामानि यः पठेच्छृणु यद्भि विद्यारम्भे विभावेच प्रवेश निर्मेता संग्रामे संकटे च विघ्न तस्य जायते शुक्लाम्बर धरम देवं सचिवं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्याय सर्वविघ्नोत्थान्ते अभिप्रदार सिद्धार्थ पुत्र असुरासुरे सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपते नमः सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वासादि केसर नेत्र में के गौरी नारायणी नमस्ते अम्बे अम्बी के अम्बालिके नमन तिगस्तासिकाम सुभद्रिकाम कंपिल वासिनी मा तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपतेस्ते अग्निवस्मनामि लाभस्ते साम जयस्ते साम कुतस्ते साम पराजय येषाम् इन्द्रे वरस्यामो हृदय स्त्रो जनार्दन हरि यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय अनन्यास पूज्य जनार्दन ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो गृहस्थेभ्यो गृहस्थपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो इति सोत्सवाचनम् सर्वक्षत पुष्पे गणेश प्रीमादाय अग्रे संकल्प करो ओम विष्णुवे नमः ऐसे बोलते रहो हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भागवत ओम महाप्रसस्य पूर्वोक्त विशिष्ट विशेषनां संकल्प संसिद्ध्यर्थे श्री रामचरितमानस कथा निमित्तार्थ अपना नाम लो अपने गोत्र का उच्चारण कर लो महिम पूजा करना सिद्ध्यर्थे कर्मणा सिद्ध्यर्थे अपना नाम अपने गोत्र गोत्र सबका नाम के कि सुख समृद्धि प्राप्ति अर्थ सबकी सर्व भवन्तु सुखिना सर्व संतु निरामया सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवे उसके लिए कर रहा हूँ जो संकल्प चल रहा है हमारे यहाँ यज्ञ का रामा अर्चन यज्ञ जो चल रहा है उसके लिए आज का पूजा मैं करवा रहा हूँ ये छोड़ दो करो तिलक करो वहाँ पर ओम गणपति नमः सब सब चीज कर दो सुनो आप पूजा करते हो रोज वैसे ही यहाँ सारी चीज यहाँ जो तेरे पास उपलब्ध हो आपके पास वो सारी लगाओ पत्रम पुष्पम फलम तोयम देख रत्नानि विरदानि जय मया दत्तम ज्ञान परमेश्वर हरि ओम नमस्ते गणपति तुम्हें प्रत्यक्षम तत्मसि तुम्हें युगलम करता सी तुम्हें युगलम धरता सी तुम्हें युगलम हरता सी तुम्हें सर्वकल्पितम ब्रह्मा सी तुम साक्षात आत्मा सी करवाओ यस इनसे करवा दो ले जा ले नित्यम ब्रह्मा सी तुम्हें ओम नमस्ते गणपति तुम्हें प्रत्यक्षम तत्मसि तुम्हें युगलम करता सी तुम्हें युगलम धरता सी तुम्हें युगलम हरता सी तुम्हें सर्वकल्पितम ब्रह्मा सी तुम साक्षात आत्मा सी नित्यम रित्यम अस्मि सत्यम अस्मि अवतम माम अवक्तरम चोतरम अवदातरम अवदातरम अवानुचानम अवशिष्यम अपश्चादपुरस्तादवाद्रातासर्वतोमाम्पायपायसमन्तादोमाङ्गमेस्तुमचिन्मयतुमानन्दमेस्तुमब्रह्मयतुमसचिदानन्दत्वसितुमप्रत्यक्षंकर्मासितुमज्ञानमयुज्ञानमयसि सर्वंजगत्तमतोयजायतेसर्वंजगत्तमतोतिष्ठेसर्वंजगत्तमतोयलयमेस्तिसर्वंजगत्तमप्रत्यतितुमभूमिरापोलनोलनवयतुमचत्वारवाक्पदानितुमज्ञानगुणातीतेतुमकालत्रयतीतेतुमदेत्रयतीतेमूलाधारस्त्वसिनित्यंतुमशक्तित्रयतीतेतुमज्ञानतीतेतुमब्रह्मतुमविष्णुतुमरुद्रस्तुमिन्द्रस्तुमग्निस्तुमवायुस्त
रदम से वर्तमस्ते प्राणमस्तक दजम रक्तम लंबोदरम सूर्यकणकम रक्तवासम
रक्त गंधान लिप्तांगम रक्त पुष्पे सुभूषितम भक्तानुकंपनम देहम जगदानुच्युतम अभिर्भूतम जसृतादु प्रकृते प्रकात्मम एवं ध्यायति नित्यं सहि योगी योगिनां मरे नमो भ्रातृदे नमो गणपते नमो पितृपदे नमस्ते स्थूलमुद्राय ज्ञताय विघ्ननाशने शिशुताय श्रीवर्धमूर्ते नमो नमः। हरि ओम माम सर्वेति तत्व काशी तुम महादेवी नमस्ते भगवती मात्र समान ब्रह्म विष्णु रुद्रोपणी त्रिनेत्रां रक्तवर्णां भक्तां दिधां भजे नमामि त्वं महादेवी महाभय विनाशिनी महादुर्ग प्रसन्नी महाकारुण्य रूपिणी यस्या स्वरूपं ब्रह्मा दयो न जानन्ति तस्माद् उच्यते अज्ञया यस्या अन्तो न लभ्यते तस्माद् उच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्माद् उच्यते अलक्ष्या यस्या जन्म नोपलभ्यते यस्याद् उच्यते अजन्मा अजा एकेव सर्वत्र वर्तते तस्माद् उच्यते एका एकेव विश्व स्वरूपिणी तस्माद् उच्यते नैका अतएव उच्यते अज्ञानता लक्षा जगने केति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयतीता शून्यानां शून्य साक्षिणी यस्या परतरं नास्ति शेषा दुर्गा प्रकीर्ता तां दुर्गां द्रुमां देवी दुराचार विघातिनी नमामि भवितुं संसाराणव तारिणी। बोलो अम्बे मैया की जय हो। वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारु वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपण याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमेश्वरम्। श्री राम जय राम जय जय राम। गणाधिपतये नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री हनुमते नमः। लोकाभिरामं
रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्राधा कृष्ण स्वरूपामये कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम प्राणन्नमो भगवते पुरुष तत्पश्चात कथा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। श्री राम चंद्र कृपालु भजे हरण भव भय I'm
कपित मानहु पड़ित रुचि सुचि नौमी जन कसुतावरम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम
भगवान की ओ हरि बोल। बहुत बढ़िया लाला, आज की सेटिंग बहुत बढ़िया है। श्री राम, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आज तो निर्जला एकादशी नहीं दिख रहा मेरे को, फिर जय बोलने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं आप लोग? बोलिए नंद नंदन भगवान की जय हो। श्री लाडली लाल सरकार की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। ब्रज चौरासी कोश की जय हो। श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। श्री फूल विहारी सरकार की जय हो। श्री रामायण महारानी की जय हो। सब श्रोता और वक्ता की, सब अभिप्रण की, सब संतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्प तरु, दीन बंधु करुणा सिंधु, भगवान नंद नंदन की असीम अनुकंपा से श्री धाम नंदगाम परिक्षेत्र के अंतर्गत श्री फुलवारी कुंड आश्रम परिसर में नव दिवसीय श्री राम महायज्ञ के अंतर्गत श्री राम कथा का आज अष्टम दिवस प्रारंभ हो रहा है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं
जो यह सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। सज्जनों, आप इस कथा को राजू लोहकाना यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण भी देख रहे हैं। जो भक्तजन, जो श्रोता यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, वे अपनी सुविधा अनुसार राजू लोहकाना यूट्यूब चैनल को डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। देखिए, हमारे ऋषि महर्षियों ने अथक प्रयास करके इसकी विधि निर्मित की है। यह कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, हमारे आपके लिए नहीं है, लेकिन ऋग्वेद संहिता के अंतर्गत दूरभाष यंत्र का, दूरदर्शन यंत्र इत्यादि, विमानों के निर्माण इत्यादि का वर्णन मिलता है। गौतम संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में भी ये विधि थी, लेकिन आम जनता के लिए नहीं थी, ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए, साधक के लिए ही उपलब्ध थी, जो साधना संपन्न हुआ करते थे। आप कहेंगे कि महाराज ऐसी बात कैसे कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपसे बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत के अंतर्गत वर्णन आता है कि नैमिषे हिमिषक क्षेत्रे, नैमिषारण्य में आज भी भयंकर जंगल है, और उस समय तो कहना ही क्या, शौनक ऋषि रहते थे, गुरुकुल चलाते थे। उन्होंने नैमिषारण्य में 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने ऋषियों को बुलाया। कितने ऋषि आए थे, श्रोता की बात नहीं है, जो मुख्य ऋषि थे वहां के कर्ता धर्ता, उनकी संख्या 88,000 बताई गई है। आप लोग भागवत सुनते रहते होंगे, 88,000 यानी 1,00,000 में केवल 12,000 कम, 88,000 ऋषि वहां पर उपस्थित थे। कैसे आए होंगे उस घोर जंगल के अंदर, उस समय न टेलीफोन था, न कोई डाक व्यवस्था थी, फोन के माध्यम से ही, लेकिन फोन ये आज के जैसा फोन नहीं था, वो दिव्य फोन था। एक संत दूसरे संत से आत्मिक संबंध बनाते थे। आज भी हम कहते हैं कि भाई आत्मा की पुकार, भाई किसी आदमी को आपने याद किया, वो आदमी 10 मिनट बाद आपके सामने आ गया, आपने कहा भाई मैं तो आपको याद ही कर रहा था, और आप आ गए। ये अंतरंग व्यवस्था है, इसको बोलते हैं दूरभाष, दूर से एक दूसरे से संवाद स्थापित करना। संस्कृत में मोबाइल को कहते हैं दूरभाष यंत्रिका। हमारे शास्त्र बहुत संपन्न है, लेकिन विडंबना यह है कि हमारे यहाँ के लोगों ने इसकी अनदेखी कर दी, जबकि विदेशी लोगों ने इसका समुचित लाभ उठाया।
विश्व के सबसे पहला वैदिक शोध संस्थान जर्मनी में जो आज से 200 साल पहले ही वहां के लोगों ने बना दिया था जर्मन में। जर्मनी एक देश है जहां पर हमारे वेद के ऊपर शोध करने के संस्थान 200 साल पहले बनाए गए, जबकि हमारे भारत में अब बनाए जा रहे हैं। अभी तक हमारे भारत में वैदिक शोध संस्थान नहीं है सरकार की तरफ से। वैसे हमारे ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने अपने अपने स्तर से छोटे मोटे बना रखे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से अभी तक नहीं बनाया गया था। अब सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है वैदिक शोध संस्थान। हमारे वेदों के अंदर ज्ञान विज्ञान का भंडार भरा हुआ है। हवाई जहाज बनाने की विधि, बड़े बड़े जहाज बनाने की विधि, प्रक्षेपास्त्र सब बनाने की विधि है, लेकिन हमने अपने पूर्वजों के धरोहर के अनदेखी कर दी और इसीलिए हम पीछे रह गए। जिन्होंने हमारे ज्ञान को चुराया वो हमसे आगे बढ़ गए, हमारे ज्ञान को चुरा करके अब हमको ज्ञान दे रहे हैं और हमको बेवकूफ समझते हैं और हम अपने आप को बेवकूफ मान भी रहे हैं, उनको ज्ञानी मानते हैं। भगवान राम ऐसे ही दूरदर्शी महान संत महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में कल पहुंचे थे। भगवान कहते हैं, जग पेखन तुम देखनिहारे। हे ऋषिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। आपने साधना के द्वारा वह शक्ति प्राप्त कर रखी है कि आप त्रिकाल को वर्तमान में देख सकते हैं। फिर भी मैं आपसे बताता हूं कि तात बचन पुनिमा तो हित भाई भरत असराव, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। पिताजी के वचन के पालन करने हेतु, माता की इच्छा की रक्षा करने के लिए और अपने छोटे भाई को राज्य प्रदान करने के लिए, और इससे भी बड़ी बात, मेरे को आपका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं वन में आया हूं और कोई विशेष कारण नहीं है। हे मुनिवर, आपके चरणों के दर्शन करके अब तक मेरे जीवन के किए हुए सारे पुण्य फलीभूत हो गए, मेरा ऐसा मानना है। अब मेरा एक निवेदन है कि अब मैं कहीं वास करना चाहता हूं, निवास ठहरना चाहता हूं स्थायी रूप से। मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य की सिद्धि के लिए। देखिए, कल हम आपसे बता रहे थे कि जीवन में सफलता पाने के 3 सूत्र है और ये विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अध्ययन पूरा कर लिया है, अपनी विद्या शिक्षा पूरी कर ली है, अब उनको जीवन में कुछ करना है, सफलता प्राप्त करनी है, उनके लिए ये 3 सूत्र बिल्कुल सटीक लागू होता है। पहला सूत्र है किस रास्ते से जाना है, दूसरा सूत्र है कहां पर रुक करके अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करना है, और तीसरा सूत्र है किस विधि से कार्य करना है। तो पहला सूत्र तो आपने कल
श्रवण किया। भगवान राम ने भरद्वाज ऋषि से प्रयागराज में पूछा, नाथ कहिए हम कही मग जाही, हे मुनिवर आप मुझको बताइए कि मैं किस रास्ते से जाऊं। और मुनिवर भरद्वाज जी ने उनको श्री राम जी को वैदिक मार्ग यानी कि चार वेद के द्वारा बताए हुए मार्ग बताया, इस मार्ग से जाइए, मनमुखी नहीं अपने मन में आया उस मार्ग से चल दिए, हम तो इस रास्ते चलेंगे। तो मन से चलने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता है, सफल होता है गुरुमुखी व्यक्ति, वेद के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। राम जी वेद के बताए हुए मार्ग पर चल करके चित्रकूट के तरफ बढ़े और मार्ग में उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन हुआ, रात्रि विश्राम किया और उनसे अब मार्ग पूछ रहे हैं, स्थान पूछ रहे हैं कि मैं किस स्थान पर रहा। शर्त है इसमें, राम जी ने कहा कि मेरे को ऐसा स्थान बताइए जहां पर मेरे ठहरने से किसी साधु संतों को कष्ट न हो, मेरे द्वारा मेरे रुकने से संतों को कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतों को यदि हमारे कारण कष्ट हो गया तो मेरा अनिष्ट असंभावी है। मुनि तापस जिन ते दुख लहु, ओ मुनि तापस जिन ते दुख लहु, मुनि तापस जिन ते दुख लहु, मुनि तापस जिन ते दुख लहु, ते नरेश बिनु पाप कदहि, ते नरेश बिनु पाप कदहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूसुर रोषु, दहि कोटि कुल भूसुर रोषु, अस दिए जानी कही असोई ठाऊं, अस दिए जानी कही असोई ठाऊं, सिए सौमित्र सहित जह जान, सिए सौमित्र सहित जह जान, अब जहां आउर आयसु होई, अब जहां मुनि उद्वेगन पावई को, ये उद्वेगन पावई को, हे मुनिवर अब आप हमको ऐसा स्थान बताइए जहां पर रह करके मैं अपने वनवास काल व्यतीत कर सकूं, लेकिन वह स्थान ऐसा होना चाहिए कि मुनि उद्वेग न पावई कोई, मेरे द्वारा मेरे रहने से किसी मुनि को उद्वेग नहीं होना चाहिए मन में कि अरे भैया ये कहां से आ गया यहां पर रहने के लिए, अब हमको परेशानी, ऐसा स्थान पर मेरे को नहीं रहना है, क्योंकि मुनि और तपस्वी जिससे दुख पाते हैं वो भले चाहे कितना बड़ा राजा ही क्यों ना हो वह नष्ट हो जाता है, वो तेजहीन हो जाता है, क्योंकि मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल की जो जड़ है मूल है ब्राह्मण,
उसका परितोष उसके संतोष में ही जीव का कल्याण है। और ब्राह्मण यदि रुष्ट हो गए तो संपूर्ण वंश का विनाश निश्चित है। देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे कि ब्राह्मण की बड़ी बड़ाई करने में लगे रहते हैं महाराज। देखिए, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो इसमें लिखा हुआ है वही कह रहा हूं। और कई लोगों का मानना यह है कि ब्राह्मण रहे कहां महाराज। ब्राह्मण तो मांसाहारी हो गए, दारू पीते हैं, ये करते, आचरण भ्रष्ट हो गए। इस विषय में एक बात आपसे कहना चाहूंगा मैं। देखिए, ब्राह्मण कुल की एक विशेषता होती है, कुल की भी एक विशेषता होती है। ब्राह्मण कुल में किसी ने जन्म लिया है और आचरण भ्रष्ट हो गया है तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में शब्द दिया गया है ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु भागवत में लिखा है, भगवान ने कहा पांडवों से, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वधारहरणम। ब्राह्मण चाहे कितना ही नीच क्यों न हो, कितना ही भ्रष्ट हो जाए, फिर भी शारीरिक दंड योग्य नहीं होता है। अगर कोई अपराधी ब्राह्मण है तो आप उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं। आप उसका अपमान कर दीजिए, अपमान को भी मृत्यु दंड के समान ही माना गया है, लेकिन शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि ब्राह्मण अवध्य माना गया है, तो ब्राह्मण अगर भ्रष्ट हो जाए तो उसकी निंदा शास्त्रों में है, की गई शास्त्रों में उसकी निंदा, लेकिन आम जनता को उसके प्रति द्वेष पालने का अधिकार नहीं है। पूज्य विप्रशील गुणहीना, विप्र शील गुण से हीन भी हो तो भी पूजनीय है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे महाराज, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। गोपाष्टमी के दिन आप गौ की पूजा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे भी अगर गौ दान अगर बतावे पंडित जी की भाई गौ दान करो पितृदोष के लिए, अथवा किसी के नाम से, अपने पितरों के नाम से गौ दान करने की परंपरा हमारे यहाँ पर है, तो गौ दान करते हैं कि नहीं? प्राचीन परंपरा गौ दान करते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति कहे कि महाराज ये गाय तो जो है सो विष्ठा खा रही थी, गंदगी खा रही थी, इस गाय के दान कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं माना जा सकता है। गाय गाय होती है, गाय चाहे विष्ठा ही खावे, अगर गौ दान करने की बात आएगी तो चाहे विष्ठा खाने वाली ही गाय क्यों ना हो, दान तो गाय का ही करना पड़ेगा, गधैया के दान नहीं किया जा सकता है। आपको ये गधही बड़ी शुद्ध खाती है, घास चरती है, हरी हरी, गंदगी नहीं खाती है, तो क्या उस गाय के जगह पर गधी के दान किया जा सकता है? क्या नहीं किया जा सकता है? बेशक वो गाय पिष्टा भक्षी हो, दान तो गौ का ही किया जाएगा। कहने का अभिप्राय है हमारा, ब्राह्मण यदि दुराचारी भी है तो भी अगर ब्राह्मण को दान देने की विधि आती है तो आपको ब्राह्मण को ही दान करना पड़ेगा। आप ब्रह्म भोज करवाते हैं, बारह बामन जी मानते हैं, तो उसमें ब्राह्मण ही चाहिए। अन्य वर्ण के कोई भी कितना विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, आचरणवान हो, बारह बामन में उसको बुलाकर नहीं जिमा सकते हैं। संतों को भी नहीं जिमाया जाता है, तो ब्राह्मण ही होना चाहिए। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि ब्राह्मण यदि रुष्ट हो जाए तो बड़े बड़े राजाओं के राजपाठ भी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए महाराज मुझको बड़ा डर लगता है, ऐसा स्थान मत बताइएगा जहां पर संत जन हमसे कष्ट पावे।
सहज सरल सुनि रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज और सरल श्री राम जी के वचन को सुन करके वाल्मीकि जी बोले सत्य है सत्य है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते राम जी आप तो वेद के मर्यादा के रक्षा करने वाले हैं और ये जनक नंदनी जानकी जी साक्षात आपकी माया है अर्थात लक्ष्मी जी के अवतार है और ये जो छोटे भाई आपके लक्ष्मण हैं ये साक्षात शेषनाग के अवतार हैं जिन्होंने अपने एक सिर के ऊपर ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। आप सब कुछ जानने वाले हैं त्रिकालदर्शी हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी आप सचिद आनंद घन स्वरूप हैं। आपका जो यह विग्रह है शरीर है ये पांच भौतिक नहीं है क्षिति जल पावक गगन समीरा जिनसे निर्मित नहीं है ये चिन्मय प्रकाशमय देह है। अतः आपने मुझसे स्थान पूछा है तो मैं एक प्रश्न करता हूं जहां ना हो तहां देहु कही तुम ही देखा बहुठा। हे राम जी पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप क्या कि आप कहां नहीं रहते हैं आप जिस स्थान पर नहीं रहते हो ऐसा स्थान बता दीजिए फिर मैं आपको उनमें से छांट कर बताऊंगा कहां रहना है। राम जी चुप हो गए क्यों कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां राम जी नहीं रहते हो। राम वाल्मीकि जी के बातों को सुनकर के राम जी मुस्कुराने लगे। फिर वाल्मीकि जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राम जी मैं आपसे कुछ 14 स्थान बताता हूं आप उस स्थान पर निवास कीजिए। अब आप लोग अपने हृदय को टटोल कर देखना कि आपका हृदय राम जी के रहने योग्य स्थान है कि नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं सबसे पहला स्थान बताते हैं जिनके श्रवण समुद्र समान जिनके श्रवण समुद्र समान तथा तुम्हारी सुभग सरिता तथा तुम्हारी सुभग सरिता भरही निरंतर हो ही न पूरे भरही निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही ये तुम कहाँ गृह रूरे तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे लोचन का तक जी दिन कर राखे रही दरस जल धर अभिलाखे रही दरस जल धर अभिलाखे निद रही सरित सिंधु सरी भारी निद रही सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल ओहि सुखारी रूप बिंदु जल ओहि सुखारी तिनके हृदय सदन सुखदायक तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सहर ओ बसा
बंधु सिया सहार गुनायक जिनके हृदय समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसका कान समुद्र के जैसा गहरा है। जैसे संसार की सारी नदियां समुद्र में जाती है, लेकिन आज तक हम लोगों ने किसी ने ये नहीं सुना कि समुद्र भर गया, अब उसमें जगह नहीं रही नदी के पानी आने के लिए। ऐसे ही जिसके कान समुद्र के समान गहरा है, भगवान की कथा नित्य प्रति सुनने के बाद भी अघाता नहीं भरता नहीं। हे राम जी, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास कीजिए। ये पहला स्थान बताया। दूसरा स्थान बताया कि जिसके नेत्र चातक पक्षी के समान हैं और आपका रूप चंद्रमा के समान है, ये दर्शन करते अघाता नहीं। हे राम जी, उस भक्त के हृदय में निवास कीजिए। तीसरा स्थान बताते हैं कि हे राम जी, आप उस भक्त के हृदय में निवास कीजिए जिसके जिह्वा हंसनी के समान है और आपके यश रूपी मोती को दिन रात चुगने में लगा रहता है। वो उस भक्त के हृदय में निवास कीजिए। आपके प्रसाद को जो काम में लेते, जो अपने जीवन में केवल और केवल आपके प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, भोजन बनाने के बाद में आपको अर्पित करके ही भोजन खाते हैं। कोई वस्त्र, नया वस्त्र लाया है, कोई नए गहने लाए हैं बाजार से खरीद करके, कोई नया बर्तन लाया है, कोई भी वस्तु लाया है, उसको सबसे पहले आपको अर्पित करके प्रसाद के रूप में जो भक्त उपयोग में ले, उस भक्त के हृदय में निवास कीजिए। आप उस भक्त के हृदय में निवास कीजिए जो माता पिता, गुरुजन, संत, भगवंत, बड़े बूढ़े के चरणों में अपने सिर को नम्रता पूर्वक झुकाते हैं। आप उस भक्त के हृदय में निवास कीजिए जो कर नित करहि राम पद पूजा, अपने हाथ से नित्य प्रति आपकी पूजा करते हो और आपके अलावा किसी दूसरे के भरोसा न करते हो, उसके हृदय में निवास कीजिए। कई लोगों को यह भ्रम है कि इतना बड़ा आयोजन बिना पैसे के कैसे हो सकता है और महाराज के पास तो पैसा ही नहीं है। कई लोगों ने मेरे से प्रश्न भी किया, मैंने उनको एक ही जवाब दिया, पैसा तो नहीं है लेकिन मेरे पास में ठाकुर जी, इतना हमको भरोसा है, ठाकुर जी हैं और उसके भरोसे कोई भी बड़ा से बड़ा काम संपन्न किया जा सकता है। मेरे जीवन का अनुभव है, 40-45 साल हो गया साधु बने हुए। इस 40-45 साल के अंतर्गत हमने बड़े बड़े कार्य किए बिना पैसे के किए और ठाकुर जी के भरोसे पर ही किए, और ठाकुर जी ने उस कार्य को पूर्ण किया है। हाँ, समस्या जरूर उपस्थित हुई है, संकट जरूर उपस्थित हुआ है, लेकिन कार्य सिद्ध हुआ है, कार्य कभी रुका नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि इसीलिए क्योंकि हमको राम जी के ऊपर भरोसा है, हमने उसके ऊपर घर छोड़ा है 7 साल की उम्र में, तो उसको तो हमारी लाज रखनी पड़ेगी। हम किससे कहेंगे, उसी से कहेंगे, हम किसी सेठ साहूकार से नहीं कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे जब त्रिलोकी नाथ
तीनों लोक के दाता जब दिन रात देने के लिए तैयार बैठा है, फिर भी यदि कोई किसी सेठ साहूकार के मुंह के तरफ ताकता है, उससे बड़ा अभागा कौन है। हम तो सुखदेव जी महाराज की बातों के पद चिन्ह पर अनुसरण करेंगे कि हम सेठ जी के मुंह के ऊपर ताक करके, सेठ जी तो अपने नौकर की इच्छा ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तनख्वाही टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, हमको क्या देंगे। कहने का अभिप्राय है कि भाई सेठ तो एक ही है, हमने तो आजमा कर देख लिया सवरिया सेठ, उसके अलावा तो सब भिखारी है। सारे सेठ सांवरिया सेठ के दरबार में जाकर के भीख मांगते हमने देखे हैं कि सांवरिया सेठ 10 करोड़ तो हमारे पास में है, 5 करोड़ और दे दोगे तो 15 करोड़ हो जाएगा। दिन रात मांगते ही देखे हैं, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसके राम जी के ही भरोसा है उसके हृदय में निवास करो। आपको छोड़ करके दूसरे की गति नहीं है, हे राम जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पर अब विषते विष भारी। पर स्त्री को जो माता के समान समझता हो, भाव रखता हो, और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता हो, उसको उसके हृदय में आप निवास कीजिए। और पंडित भी उसी को कहा गया है, आचार्य चाणक्य ने कहा है, मातृवत परदारेषु मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो मातृ के समान दूसरे की स्त्री को समझता हो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता हो, और अपनी आत्मा के समान ही सभी के आत्मा को समझता हो, वास्तविक में पंडित वही है। चाहे वो ब्राह्मण कुल से हो, चाहे किसी भी कुल से हो, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर प्रसन्न होता हो, दूसरे के दुख को देखकर के दुखी होता हो, हे राम जी उनके हृदय में आप निवास कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आपको जो सब कुछ मानता हो, स्वामी सखा पितु मात गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु ये सहित दो भ्रात। जिनके लिए सब कुछ आप ही हैं, उसके मन रूपी मंदिर में आप निवास कीजिए। अब गुण तजी सब के गुण गही, विप्र धेनु हित संकट सहे। जो दूसरे के बुराई न देखता हो कभी भी, अगर कभी धोखे से दूसरे की गलती दिख भी जाए तो मुंह फेर ले, ध्यान न दे। दूसरे से कहने की तो बात बहुत दूर है, देखना ही नहीं चाहिए। अगर कभी किसी की गलती, किसी का दोष अचानक दिख भी जाए तो मुंह फेर लेना चाहिए, यही श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। दूसरे के दोष देखना तो महान अधम व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। अवगुण तजी सबके गुण गए, और दूसरे के अंदर जो गुण है उसको ग्रहण करे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। ब्राह्मण और गाय के लिए जो प्राणों के भी बाजी लगा दे, जो नीति में निपुण है, और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि नीति के पालन करने वाले हैं,
हे राम जी उसके हृदय में आप घर बना कर रहिए। अगर कुछ हमसे अच्छा काम हो गया तो ठाकुर जी की कृपा से, और कुछ गलत हो गया तो मेरी गलती है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति जो है उसके हृदय में आप निवास कीजिए। हे जगत नियंता, जिसको भगवान के भक्त प्रिय लगते हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी देश के हो, केवल इतना मालूम पड़ जाना चाहिए कि भगवान के भक्त है, तो उसको अपना भाई की तरह माने। श्री भक्तमाल जी में कथा आती है, एक संत गृहस्थ संत थे, उनके गुरु जी ने उनसे कह रखा था कि बेटा सभी संतों को गुरु रूप में ही मानना। उसने कहा गुरुजी ये तो संभव नहीं है कि मैं सभी संतों को गुरु रूप में मानूं। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सब संतों को गुरु रूप में नहीं मान सकता है तो सभी संतों को गुरु भाई के रूप में तो मान सकता है। उसने कहा हाँ गुरु भाई के रूप में हम मान सकते हैं, ठीक है। भगवान के भजन करता था। गांव के पास में एक नदी बहती थी, एक दिन स्नान करते समय उस एक लाश बहती हुई दिखाई दी। नजदीक आई बहती बहती वो लाश, तो क्या देखा, गले में तुलसी की कंठी, माथे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक। उसको लगा ये कोई मेरा भाई है। गुरुजी ने कहा है सभी संत भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम्हारे भाई हैं, गुरु भाई। पता नहीं कैसे इनकी मृत्यु हुई, क्रिया कर्म हुआ कि नहीं हुआ। वह भक्त नदी में उतर करके उस लाश को बाहर निकाला, बाहर निकाल करके विधि विधान के साथ उसका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करके उसके 12 दिन के व्रत रखा और 12 ब्राह्मण करने का संकल्प लिया। वो बस्ती थी ब्राह्मणों की, पुराने जमाने की बात है, ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी होते थे और ब्राह्मणवाद के आग्रही होते थे। ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा गया, कोई भी ब्राह्मण जीवने के लिए नहीं आए। अरे तो पागल है, जैसे किसकी लाश को उठा ले आया, कौन से जाति के बिरादरी को कोई पता नहीं, और हम ब्राह्मणों को बुलाकर जिमा रहा है, हम तो नहीं जाएंगे। सबके लिए प्रसाद बनाया था, कोई नहीं आए। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभो, गुरुदेव ने कहा था कि आपके भक्त हमारे गुरु भाई है, मैं अपने गुरु भाई के क्रिया कर्म कर रहा हूँ, कोई ब्राह्मण भोजन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, प्रसाद सब व्यर्थ जाएगा। थोड़ी देर में देखते हैं तो ओहो, ऊर्ध्वपुंड लगाए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, कमंडल हाथ में लिए हुए, एक से एक दिव्य ब्राह्मण चले आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं कोई पता नहीं, उस गांव के तो हैं नहीं, ये तो निश्चित है। ब्राह्मण आए, सुंदर आसन बिछाया, सबको बैठाया, पत्तल परोसी गई, सुंदर स्वादिष्ट जो भी भोजन बनाया था उसने परोसा, सब ब्राह्मण पाए, दान दक्षिणा दिया, जो भी बना उससे ब्राह्मणों को प्रणाम किया, विदा किया। वो ब्राह्मण चले, वो गांव से निकल करके जैसे गांव के बाहर गए वो तो आकाश में उड़ने लग गए, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान के पार्षद थे, वैकुंठ लोक से आए थे, भगवान के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि भगवान के भक्त का क्रिया कर्म हुआ है उसमें भगवान के भक्त ही आएंगे। जब उस गांव के ब्राह्मणों ने देखा कि अरे ये तो साक्षात वैकुंठनाथ के पार्षद आए भोजन करने के लिए, ये कोई साधारण भक्त नहीं था, हम तो रह गए। सबके सब ब्राह्मण आए, भैया हमको भी दे दो प्रसाद। उस भक्त ने कहा कि अब तो बचा नहीं है, आप तो पहले आए नहीं, अब तो पत्तल खाली पड़ी हुई है। उसने सभी ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, हम तो पत्तल में से ही तिल का प्रसाद ले लेंगे।
क्योंकि भगवान के पार्षदों का जूठा है। सबने प्रसाद ग्रहण किया। कहने के अभिप्राय है कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर बसहु सहित बहि देहि। हे राम जी, उस भक्त के हृदय में सीता जी के सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म इसकी बड़ाई से जो ऊपर उठ चुका है, सब को छोड़ करके आपको हृदय में धारण करके आपका जो भजन करता है उसके हृदय में निवास कीजिए। हे राम जी, जिसकी नजर में स्वर्ग अपवर्ग नरक सब बराबर है, सब जगह आपको देखता है, आपके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं। कोई गाली दे रहा है तो उसके अंदर भी आपको ही देखता है, कोई माला पहरा रहा उसके अंदर भी आपको देखता है, आपकी कोई हत्या करने आ रहा है उसके भी अंदर आपके ही दर्शन करता है, उसके हृदय में निवास कीजिए। और जाहि न चाहिए कबहु किछ तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु मन सोरावुर निजगे। जिसको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और दिन रात आपके भजन करने में लगे रहते हैं, जो सहज भाव से आपसे प्रेम करते हैं अपना मान, जैसे ब्रजवासी कन्हैया को अपना मान। ब्रजवासी की विशेषता क्या है? ब्रजवासी की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि ब्रजवासी चाहे कैसा भी होगा कन्हैया को अपना मान। चाहे कितना दुष्ट से दुष्ट ब्रजवासी हो, हमको तो 40 साल हो गया इस ब्रज में रहते हुए, हमने यही देखा है ब्रजवासी कैसा भी होगा वो कन्हैया को अपना मानता है, यही सबसे बड़ा भजन है जो भगवान। देखिए हम कथा क्यों सुनते हैं कि ठाकुर जी से हमारा संबंध बन जाए, कैसे भी करके जैसे संसारी लोगों से हम संबंध बनाते हैं ऐसे ही ठाकुर जी से हमारा संबंध बना बन जाए। देखिए बाहर के लोगों को तो गुरु से दीक्षा लेकर के अभ्यास करना पड़ता है कि ठाकुर जी हमारे क्या संबंध बनाते हैं, माता पिता भाई बड़ा भाई या छोटा भाई, अभ्यास करना पड़ता है। जब जाकर के बहुत लंबे समय बाद कहीं ये भाव बन पाता है कि ठाकुर जी हमारे, लेकिन ब्रजवासियों की तो जन्मजात ये भाव रहता है कि कन्हैया हमारे हैं। इस बात के पीछे तो ब्रजवासी लड़ जाते हैं, कन्हैया हमारे, यही सबसे बड़ी विशेषता है। और कथा सुनने का ज्यादा प्रयोजन नहीं है, बस केवल इतना ही है कि ठाकुर जी से कैसे भी हमारा एक बार संबंध बन जाए, हमारे मन में एक बार ठाकुर जी के प्रति ये बन जाए कि ठाकुर जी हमारे क्या है ये निश्चित हमको करना पड़ेगा। माता है, पिता है, गुरु है, बेटा है, बेटी है, सखा है, नौकर है, कुछ भी मानो भगवान सब बनने को तैयार है। देखो आप अपना सेवक मान लो, गुरु मत मानो, चेला मान लो, वो तो चेला बनने को भी तैयार है, लेकिन मानो तो सही कुछ। वाल्मीकि जी कहते हैं बस हो निरंतर तासु मन सोरा उर निजगे, उसके हृदय में निवास कीजिए, वही आपका घर है। यही विधि मुनि पर भवन यही विधि मुनि पर भवन दिखाए, वचन स प्रेम राम मन गाए, वचन स प्रेम राम मन गाए। कह मुनि सुनाऊं
भानु कुल नायक कहे मन सोना हो भानु कुल नायक आश्रम कहाँ समय सुखदायक आश्रम कहाँ समय सुखदायक चित्रकूट गिरी करहु निवास चित्रकूट गिरी करहु निवास कहाँ तुम्हारा सब तुम्हार सब भार यही विधि मुनिवर भवन दिखाए। इस प्रकार से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने 14 स्थान आध्यात्मिक 14 स्थान बतलाए भक्तों के हृदय रूपी स्थान। अब आप विचार कर लीजिए आपका स्थान है कि नहीं, हृदय ठाकुर जी के स्थान है कि नहीं। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम जी अब मैं आपको वर्तमान में रहने के लिए उचित स्थान बताता हूं। कोई उचित स्थान बताता हूं आप ध्यान पूर्वक बोलिए। भक्त वत्सल भगवान की ऐसा स्थान बताता हूं जो इस समय आपको सुख देने वाला होगा। चित्रकूट गिरी करहु निवास चित्रकूट पर्वत पर आप निवास कीजिए जहां पर सभी प्रकार से आपके लिए सुखदायी स्थान है। वह आप आनंद से रह सकते हैं। वहां पर मंदाकिनी नदी बहती है। वह मंदाकिनी नदी अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया माता के पति व्रत के तप के प्रभाव से प्रकट हुई हैं। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी माता अनुसुईया ने उनको प्रकट किया है। और अत्रि इत्यादि बड़े बड़े सिद्ध संत वहां पर निवास करते हैं। चलहु सफल श्रम सब कर करहु राम देहु गौरव गिरिवर हो। हे राम जी चलो आप चित्रकूट में निवास कीजिए उस गिरी को गौरव प्रदान कीजिए। वाल्मीकि जी के सहित मार्गदर्शन में श्री राम जी सीता जी लक्ष्मण जी चित्रकूट के क्षेत्र में आते हैं। मंदाकिनी नदी में स्नान किए और लक्ष्मण जी से कह करके निषाद राज और लक्ष्मण जी ने मिल करके पर्णकुटी का निर्माण किया अर्थात झोपड़ी बनाई। एक ऐसा स्थान जहां मंदाकिनी नदी ऐसे मुड़ रही है जैसे धनुष धनुषाकृति जहां से दोनों तरफ बहुत दूर दूर तक दिखाई दे ऐसे स्थान पर निवास किया। राम जी ने वास किया है ऐसा सुन करके वहां के रहने वाले साधक सिद्ध विमुक्त उदासी सब मिलने के लिए आए। राम जी ने सबको प्रणाम किया। कुछ देवता भी ऋषि मुनियों के रूप में वहां पर आए थे सबको प्रणाम किया और फिर विदा की। वहां के कोल भील सब आए कंदमूल फल प्रदान किया राम जी ने उनके प्रेम की रक्षा करने के लिए सबसे सुंदर संवाद किया और सबको आश्वासन दिया। सब अपने अपने घर को चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं वह भूमि धन्य है जहां पर राम जी निवास कर रहे हैं। क्यों न हो कि राम जहां राम जी जहां निवास करे वहीं पर अयोध्या है।
जहां राम तह अवध निवासु, जहां राम जी रहते हैं वहीं पर अयोध्या के निवास है। इस प्रकार से राम जी सुखपूर्वक चित्रकूट में निवास करने लग गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कहउ राम बन गबन सुहावा, कहउ राम बन गबन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जी मिहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जी। मैंने राम जी के वनगमन की कथा कही, अब मैं उस वार्ता को कहने जा रहा हूं जो सुमंत्र जी गंगा तट पर राम जी को छोड़कर अयोध्या के लिए वापस आए थे। निषाद राज गुह राम जी को चित्रकूट में छोड़ करके जब वापस आए सिंहबेरपुर, तो क्या देखते हैं कि सुमंत्र जी और रथ वहीं पर अभी तक खड़ा है, रो रहे हैं, घोड़ा कुछ खा नहीं रहा है, चारा चर नहीं रहा है। देखी दखिन दिसी है ही नाही, जनु बिनु पंख बिकल यकुला। दक्षिण दिशा में देख करके घोड़े हिनहिनाते हैं। निषाद राज गुह ने सुमंत्र जी को बहुत समझाया, लेकिन उनके बस के नहीं है कि घोड़े के रास को पकड़ करके घोड़ा को चाबुक मार करके रथ को चला सके। चार कोल ढील दिए, जो रथ चलाने में कुशल है वो रथ चला करके अयोध्या के लेकर के समीप आकर के रथ को छोड़ करके वापस चले जाते हैं। सुमंत्र जी दिन भर अयोध्या के बाहर ही किसी पेड़ के नीचे रुके और सांझ समय तब अवसर पावा, संध्या के समय दिन जब छिप गया कोई देख न ले, ऐसा विचार करके सुमंत जी चुपचाप नगर में प्रवेश करते हैं। राजद्वार के सामने रथ खड़ा करके भवन में प्रविष्ट हुए महाराज दशरथ को जैसे मालूम पड़ा सुमंत आ गए हैं। हा राम हा सीते हा लक्ष्मण, कहाँ है? सुमंत जी ने जवाब दिया, महाराज वो वापस नहीं आए, वो तो वन को चले गए। महाराज दशरथ का प्राण व्याकुल हो गया। कौशल्या इत्यादि रानियों ने खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन महाराज ने कहा कि रानी, मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, मुझको याद है कि एक तपस्वी और तपस्विनी ने मुझको श्राप दिया था, मेरे द्वारा उनके पुत्र का वध हो गया था अनजाने में। उन्होंने श्राप दिया था कि राजन, तुम्हारे चार चार बेटे होते हुए भी उनके बिना तुम्हारी मृत्यु होगी, जैसे आज हमारे बेटा के होते हुए भी नहीं है और हम प्राण छोड़ रहे हैं। मुझको याद है, मैं अब स्वर्ग सिधार रहा हूं। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयहु सुर धाम। राम 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 राम, छह बार राम नाम का उच्चारण किया। दशरथ जी शरीर को छोड़ देते,
संतों का भाव है, 6 बार राम नाम का उच्चारण क्यों किया? क्योंकि श्री राम मंत्र में 6 अक्षर है, श्री राम षडक्षर मंत्र, इसीलिए 6 बार राम नाम का उच्चारण किया। दशरथ जी महाराज ने शरीर छोड़ दिए, महाराज दशरथ के शरीर प्राण से प्राण निकलते ही अयोध्या में हाहाकार मच गया, सब रानियां रो रही हैं। क्या भरोसा ही इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा जाएगी चलते चलते, समय बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते, समय बुझ जाएगी चलते चलते, जब निकल जाएगा रोशनी का, जब निकल जाएगा रोशनी का, साथ देते हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, और नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देते पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, हर ये पूरा, हर ये पूरा करो बंदगी का, हर ये पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक अनिवार्यो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब भगवान वशिष्ठ आकर के
सबको सांत्वना देते हैं, सबके शोक को दूर किए। महाराज दशरथ के पांच भौतिक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए तेल नाभ में तेल भर करके और उसके अंदर डाल कर रख दिए और दूत को बुला करके बोले, तुम भरत को बुला कर ले आओ, कुछ और मत बताना, केवल इतना ही बताना कि गुरुजी ने बुलाया है। द्रुतगामी अश्वारोही दूत कई कई देश जाते हैं। हेलो 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 जिंदगी में हम लोग पहली बार लोग इतनी आवाज आता है क्या? बोलने आया हो, मैं भी बोलना जानता हूँ, समझे? मैं पहली बार कर रहा हूँ क्या? ऐसी आवाज आती है, आवाज आवाज खुल नहीं रहा, आवाज खुल नहीं रहा है, शिट मार रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी को जाकर सूचना दी, भरत जी तुरंत ननिहाल से वापस आते हैं। दोनों भाइयों ने जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया, सभी लोगों को उदास देख करके कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले कैकेयी जी के भवन में दशरथ जी जाते हैं, भरत जी जाते हैं। कैकेयी जी के भवन में इसलिए सबसे पहले गए क्योंकि उनको मालूम है कि कैकेयी जी के पास में रामलला होंगे और भैया राम के पास ही महाराज दशरथ और अन्य माताएं भी होंगी। लेकिन जैसे ही कैकेयी ने सुना कि मेरा पुत्र आया है, सोने के थाली में आरती सजा करके द्वार पर आई, आरती उतारी, अपने पीहर के समाचार पूछी, भरत जी ने सब कुशल समाचार सुना दिया। पूछे निज कुल कुशल भला, अपने कुल के समाचार पूछा। कैकेयी बोली कि बेटा सब कुशल बात बिगड़ने वाली थी, मैंने बना ली मंथरा दासी के सहयोग से, लेकिन बीच में ही एक काम बिगड़ गया कि महाराज स्वर्गवासी हो गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, भरत जी सुनकर के विषाद के वश हो गए। वही कहूं मात, हे माता मुझको बताओ कि महाराज स्वर्गवासी क्यों हुए, क्या बीमार थे अथवा और कोई कारण है? आदि उसे ते सब आपनी करनी, मुदित मन कठोर मुदित मन वर्णी, शुरू से आखिरी तक कठोर चित्त वाली कैकेयी ने सारी कथा कह सुनाई। भरत विसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौ। भरत जी पिताजी के मरने के दुख को भूल गए जैसे ही राम जी के बन जाने का समाचार सुना, और तमाम तरह के उपालंब देने लगे। अरे दुष्टनी बरमा गत मन भई न पीरा, गरी न जी मोह पर उन कीरा। अरे पापनी महाराज से श्री राम जी के वनवास का वरदान मांगते समय तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारी जिह्वा गल नहीं गई, कुछ भी हो
जो हसी सो हसी मुह मसी लाई, तू जो भी हो आज के बाद तू अपना मुंह मुझको मत। मैया तने क्या ठानी री मन में, राम सिया भेज दलेरी मन में, राम सिया भेज दलेरी मन में। मैया तने क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दलेरी जदपि भरती ते रोई जायो, जदपि भरत ते रोई जायो, तेरी करानी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो मन तन आप गिरायो, अपनो अनेक प्रकार के उपालंब दे ही रहते थे। उसी समय मंथरा सज धज करके आई
लक्ष्मण जी के छोटे भाई ने जैसे ही देखा कि सारे खुराफात की जड़ यही है, हुमगी लात तक कुबरी मारा, एक लात उसके कुबर पर जमाया, मुंह के बल गिरी, दांत टूट गए, सिर फूट गया। शत्रुघ्न जी ने उसके बाल पकड़कर घसीटना चालू किया, चिल्लाने लगी, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए किया था, मुझको क्यों मारते हो? भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिंगे दो भाई। दया के निधान भरत जी ने मंथरा को छुड़ा दिया और दोनों भाई माता कौशल्या के समीप चले जाते हैं। जैसे ही कौशल्या मैया ने दोनों भाइयों को देखा, जैसे छोटे से बछड़ा को देख करके गैया दौड़ पड़ती, वैसे दौड़ पड़ी, दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया, तीनों ही फूट फूट कर रोने लगे। माता कौशल्या ने धैर्य धारण करते हुए भरत को समझाया कि बेटा, विपत्ति के समय अधीर होने से काम नहीं चलेगा, धैर्य धारण करो, विधाता को जो मंजूर होता है वही होता है, तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अब तुम ही संभालोगे बेटा। सांत्वना दी, भरत जी ने खूब माता जी से सौगंध खाकर कहा, मां कि मेरी अगर कोई सहमति हो, मेरी कुछ जानकारी में बात हो तो मैं नरक गामी हूं, मैं ये वचन देता हूं। माता कौशल्या ने सिर पर हाथ फेरा, बेटा तुम्हारा दोष बताने वाला नरक गामी होगा। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी आए, भरत जी को आज्ञा दी कि शोक छोड़ करके पिता के कर्म करो। सुंदर चिता सजाई गई, अर्थी सजा करके विमान की यात्रा निकाली गई, सरज तीर रच चिता बनाई, सरयू जी के तट पर सुंदर चंदन की चिता बना करके महाराज दशरथ के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। भरत जी ने देशकाल परिस्थिति के अनुसार सारे कर्म संपन्न किए, गुरुदेव के आदेशानुसार। तत्पश्चात सभा जुड़ी, सभा में गुरुदेव ने कहा कि भरत, तुम्हारे पिता सत्यव्रती हैं, रहे उन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए राम को वनवास दे दिया, तुम्हारे बड़े भाई राम पिता के वचन की रक्षा के लिए वन में चले गए, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने पिता के वचन के रक्षा के लिए तुम राज्य संभालो, प्रजा का पालन करो। मंत्रियों ने समर्थन किया, माताओं ने भी समर्थन किया, सबके बात सुनने के बाद में भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आप लोगों ने जो मुझसे कहा है बहुत अच्छी बात है, हमारे हित की बात, लेकिन मैंने विचार करके देख लिया कि जो आप कह रहे हैं उसमें मेरी भलाई नहीं है, आप तो वो उपाय बता रहे हैं जैसे ग्रह ग्रहित पुनि बात बस के ही पुनि बीछी मार के ही पियाई दारुणी बारुणी कहो उपचार। अरे कोई व्यक्ति ग्रहों से पीड़ित हो, बुरे ग्रह उसके ऊपर हावी हो, ऊपर से उसको बात के रोग हो, वायु के बीमारी हो, जगह जगह गांठों में दर्द हो रहा हो, ऊपर से बिच्छू ने डंक मार दिया, बताओ बिच्छू ने जिसको बात के रोगी को अगर बिच्छू डंक मार दे तो बहुत भयंकर पीड़ा होती है,
और उसके उपचार में यदि कोई तेह पियाई बारूनी कोई उसको दारू पिला दे पात के रोगी को बिच्छू डंक मार दे ऊपर से कोई उसको उपचार के लिए अगर दारू पिला दे तो मर करके ही फंद छूटेगा। ये कोई उपचार है क्या? भरत जी बोले कि मोहि राज हट दई हो जब ही रसा रसा तल जाई तब ही। जिस दिन आप मुझको इस सिंहासन पर बैठाल दोगे उस दिन ये धरती रसातल को चली जाएगी क्योंकि मोहि समान को पाप निवासु जेही लगी सी ये राम बनवासु। मेरे समान पापी कौन होगा जिसके कारण श्री सीताराम जी को वन में जाना पड़ा। अतः मेरे हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि मैंने मन में विचार करके देख लिया कि एक ही आंख इहै मन माही प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। एक ही उपाय मुझको सूझ रहा है कि प्रातः काल में चित्रकूट जाऊंगा और राम जी को मनाकर वापस लेकर के आऊंगा। ओ इतना सुनते ही संपूर्ण अयोध्यावासी भरत जी महाराज की जय गदगद हो गए। धन्य भरत जय राम गोसाई। भरत लाल जी आप धन्य हो धन्य हो। हम भी आपके साथ चलेंगे। भरत जी बोले सब तैयारी करो सब चलो। घर घर साजाही वाहन लाना परस हृदय प्रभात पयाना। संपूर्ण अयोध्यावासी प्रसन्न है। सवेरे चित्रकूट जाएंगे एक बार फिर राम जी का दर्शन होगा और राम जी को वापस मना कर लेकर के आएंगे। रात को सब विचार विमर्श करने लग गए एक दूसरे से। घर में जेही राखई ग्रह घर रखवारी। भाई सबके सब थोड़ी जाएंगे घर पर तो कोई रहना पड़ेगा घर पर कौन कौन रहेगा। तो ये कि आदमी रह सकता जो बड़ा बूढ़ा है जो चल नहीं सकता। तो जेही राखई रहो घर रखवारी। जिस बड़े बूढ़े से कह दिया जाता कि तुम घर पर रहो उसको ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन पर किसी ने तलवार चला दी हो क्योंकि मैं भी चाहता हूं दर्शन करूं राम जी के। कोई भी रुकना नहीं चाहता अयोध्या में। प्रातः काल हुआ बड़े बूढ़े बालक सब तैयार हो गए चित्रकूट जाने के लिए। भरत जी ने विचार किया भवन बाजी गज भवन भंडारू संपति सब रघुपति के आई जो बिनु जतन चलो तजितारी सब रघुपति के आई जो बिनु जतन चलो रघुपति तो परिणाम भरत जी विचार कर रहे हैं कि यह सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है और इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। अगर हमारे पीछे से इसकी कुछ हानि हो गई तो हम सब पाप के भागीदार होंगे। सब भगवान की संपत्ति है।
आपको भी ऐसा ही विचार करना चाहिए कि सब घर बालक बच्चे सारी संपत्ति ठाकुर जी की है और आप तो केवल एक मुनि मात्र है, रखवाले। आपका दायित्व है भगवान की संपत्ति नष्ट न हो, क्योंकि भगवान की संपत्ति हमारे संरक्षण में यदि नष्ट होती है तो वह हमारे लिए पाप का कारण बनेगा। भरत जी चिंतित हुए, उसी समय कुछ सेवक जो कर्तव्य निष्ठ थे वो सामने आए, बोले महाराज हम रुकेंगे अयोध्या की रखवाली के लिए, आप सब जाइए। भरत जी प्रसन्न हुए, घर घर साजही वाहन नाना, सबने अपने अपने वाहन की तैयारी की और यात्रा प्रारंभ हुई। सबसे पहले रथ पर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को आरूढ़ करके माता अरुंधति के साथ में रथ को प्रस्थान किया। पीछे माताओं की पालकियां चलाई गई, फिर प्रजाजन कुछ पैदल कुछ सवारी पे चढ़ करके आगे बढ़े। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को बनाए। भरत चले हैं चित्रकूट हो राम, राम को बनाए। राम को चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर दिखे जट जूट हो राम, राम को मनाने। सिर पर दिखे जट जूट हो राम, राम को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भैया लखन को मनाने, राम को मनाने। भैया लखन को मनाने, राम को मनाने। भाभी सिया को मनाने, राम को मनाने। भाभी सिया को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले छन बिलपति छन प्रेम मगन मन, छन बिलपति छन प्रेम मगन मन, छन बिलपति छन प्रेम मगन मन, छन बिलपति छन प्रेम मगन मन। मन कर धीरज छूट हो राम, राम को मनाने। मन कर चले हैं
सेवकन को नगर स्वामी सब सुख सेवन को सुमिर चले सिया राम चरण को सुमिर चले सिया राम चरण मन में दुबी था भक्तवत्सल भगवान की। श्री भरत जी संपूर्ण अयोध्यावासियों के सहित चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही श्रृंगबेरपुर के समीप पहुंचे, श्रृंगबेरपुर के राजा गोह निषाद को जब यह सूचना मिली कि चतुरंगिणी सेना के सहित भरत जी चित्रकूट के तरफ जा रहे हैं, उन्हें आशंका हुई कहीं ऐसा ना हो कि भरत राम जी के ऊपर वन में अकेला पाकर के आक्रमण कर दे। स्नेह बस
निषाद राज वो अपने गोल निषादों के सेना को तैयार करते हैं और गंगा जी के घाट पर यत्र तत्र चौकी बना करके छोड़ दिया और उनसे सबसे आज्ञा की कि जीवत पाऊ न पाछे धरहूं रुंड मुंड मैं मेदिनी करहूं जीते जी पीछे पैर नहीं धरेंगे भले चाहे रुंड मुंड से पृथ्वी को पाटनी पड़ जाए। कहे उन्हें निषाद नाथ भल टोलू। निषाद नाथ की जो टोलियां हैं उनने कहा ठीक है महाराज ऐसा ही होगा। उसी समय एक बूढ़े को छींक हुई। उस बूढ़े ने कहा ये तो कुछ अच्छा शगुन लगता है क्योंकि पीठ पीछे की छींक और बाईं तरफ के छींक शगुन मानी गई है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमें कुछ करने से पहले भरत के भाव को समझ लेना चाहिए। मुझको तो लगता है भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। निषाद राज ने कहा यह बूढ़ा ठीक कहता है हमें बिना विचारे नहीं करना चाहिए नहीं तो बाद में पछतावा पछताना पड़ेगा। उसने कुछ परीक्षा लेने की सामग्री ली भरत जी के सामने प्रस्तुत किया और भरत जी उसके परीक्षा में पास हो जाते हैं। उसने जाकर भरत जी को प्रणाम किया जैसे गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि भरत ये राम जी के सखा है राम सखा सुनी चंदन त्यागा। जैसे भरत जी ने सुना कि ये राम जी के सखा है भरत जी तुरंत रथ से कूद पड़ते हैं और जाकर गोह निषाद को गले लगा लेते हैं। नगर में आए रात्रि विश्राम किए प्रातः काल हुआ गंगा पार करके प्रयागराज आते हैं। भरद्वाज जी के यहाँ पर रात्रि विश्राम किए। भरद्वाज जी ने भरत जी को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो राम जी के मन में तुम्हारे बहुत प्रति बड़ा प्रेम है। राम प्रिय ही तुम प्रिय राम है। राम जी को तुम प्रिय हो तुमको राम प्रिय हैं। मन में कोई शंका मत लाओ भरत। भरत जी भरद्वाज जी से विदा लेकर के चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में सभी ऋषि मुनियों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचे। तब के भट ऊंचे चढ़ी धाई तब के भट ऊंचे चढ़ी धाई कहो भरत सन भुजाओ नाथ देखियई पिटप विशाला नाथ देखियई पिटप विशाला बाकरी जंबुरसाल तमाला बाकरी जंबुरसाल तमाला दिन तरुवर नमत बट सोहा दिन तरुवर मंजू विशाल देवी मन मोहा मंजू विशाल देवी मन मोहा। तब केवट ने निषाद राज गुह ने एक ऊंचा सा टीले के ऊपर चढ़ करके भरत जी को बताइए हाथ की इशारा करते हुए कि हे नाथ हे भरत जी देखो दूर ये बड़ के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है उसके नीचे श्री सीताराम जी विराजमान हैं और ऋषि मुनि भी बैठे हुए हैं। भरत जी टीला से नीचे उतर करके आए और पैदल ही चल पड़े।
दंडवत करते हुए जैसे आप गिरिराज जी के परिक्रमा करते हो दंडोती परिक्रमा, ऐसे ही दंडोती करते हुए भरत जी चलने लगे। जैसे ही कुटिया के समीप आए, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर ओल कुटकी। जैसे कोई डंडा को छोड़ दो तो जमीन में एक साथ गिर जाता है, भरत जी इस प्रकार से दंडवत पड़ गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु भरत प्रणाम करत जिए जाने, भरत जी आपको प्रणाम कर। उठे राम सुनी प्रेम यदि, उठे राम सुनी प्रेम यदि, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तेरा। राम जी उठ करके दौड़े, उनके दौड़ने पर उनके जो वस्त्र थे नीचे गिर गए, सब पीछे रह गए। राम जी दौड़ करके भरत जी को उठा कर हृदय से लगा लेते। मिलनी त्रीति किमि जाति बखानी, श्री राम और भरत का मिलन ऐसा दिव्य मिलन था जिसका बखान करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं है। जो लोग चित्रकूट गए होंगे उन्होंने देखा होगा, और जो नहीं गए हैं वो जाएं तो अवश्य देखिएगा। चित्रकूट में आज भी श्री राम भरत मिलन स्थल पर एक चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर आप पैरों के निशान देखेंगे। जैसे हम लोग बरसात में गीली मिट्टी के ऊपर पैर रख देते हैं और सूखने के बाद में उसमें पैर के निशान पड़ जाता है, आज भी उस चट्टान के ऊपर पैर के निशान पड़ गए, क्योंकि श्री राम भरत के मिलन से वो चट्टान द्रवीभूत हो गया, पिघल गया और उसमें श्री राम जी के और भरत जी के चरण छप गए। आपको स्पष्ट लगेगा कि दो व्यक्ति के मिलने के समय के पैर ऐसे उठटांग बने हुए हैं, जगह जगह बड़ा दिव्य स्थान है। उसी समय निषाद राज गुरु ने कहा कि महाराज हे राम जी, केवल भरत जी नहीं आए हैं, गुरुजन माताएं समस्त पुरवासी आए हुए हैं। राम जी ने जैसे ही सुना वैसे ही सीता जी के पास में शत्रुघ्न जी को छोड़ करके और दौड़ करके गुरुदेव के पास जाते हैं, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, माताओं से मिलने के लिए जाते हैं। प्रथम राम भेटी कहे के, माताओं में सबसे पहले राम जी कई कई मैया से मिलते हैं, धैर्य धारण करवाया, सांत्वना दी, माँ आपको हमारे कारण अपमान सहन करना पड़ा है, मुझको क्षमा करना, ये संसार है, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन मैं प्रसन्न हूँ माँ, हमारे लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया, अगर आप मुझको वन नहीं भेजती तो मुझको यहाँ पर दिव्य साधु संतों का दर्शन कैसे होता, ऐसे दिव्य स्थानों का अवलोकन मैं कैसे कर पाता, मैं अपने जीवन को कैसे साधता, मैं तो सुकुमार बन करके कमजोर रह करके हो जाता राजमहल में। आपने मुझे बलिष्ठ होने का, पुरुषार्थी होने का अवसर प्रदान किया। माँ कह के ही लजा गई, फिर सुमित्रा माता से, फिर कौशल्या मैया से, अब कौशल्या मैया से सबसे बाद में मिलते। देखिए हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अपनी माँ से 10 गुना अधिकार सौतेली माँ का होता है संतान के ऊपर।
सौतेली माँ का अधिकार 10 गुना होता है। अगर अपनी सगी माँ कह दे कि बेटा ये चीज लेकर के आ, और सौतेली माँ कह दे कि नहीं, तो हमें सौतेली माँ की बात को पहले मानना चाहिए। ये देखिए सब विधान बताए गए हैं, युक्ति बताई गई है परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए। आज इसका उल्टा हो रहा है, सौतेली माँ दुश्मन जैसे दिखाई देती है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो अच्छा भी करेगी तो भी लोगों के नजर में सौतेली माँ तो बुरी ही होती है। राम जी सबको लेकर के आश्रम पर आए। गुरुदेव ने कहा कि किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। उसी समय कोल भील दोना में भरी भरी भर भर के कंदमूल फल लेकर के आए, अयोध्या वासियों को देने लगे। अयोध्या वासी उसके बदले मोल दे रहे हैं। कोल भीलों ने कहा कि देखो महाराज, हम तो वनवासी हैं, हमारा काम है लूट खसोट करना। पाप करत निसिबा सर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। हमारा तो जीवन ही पाप करते करते निकल गया, फिर भी न भरपेट अन्न मिल पाता है, न कमर में साबत वस्त्र। ये तो रघुनाथ जी की कृपा है कि जब से रघुनाथ जी आए हैं हमारा भाव बदल गया है, हम ईमानदार हो गए। चोरी करना हमने बंद कर दिया है, छीन लूट मार करना बंद कर दिया। नहीं तो महाराज, तुम आए यहां पर, तुम्हारे बर्तन और कपड़े मिल जाते नहीं, इसीलिए आप चुपचाप खा लो इनको, ज्यादा दानी मत बनो, पैसे वाले मत बनो। राम जी ने सबको समझाया, सभी अयोध्यावासी कोल भीलों के दिए हुए कंदमूल फल को खा करके इनकी बड़ाई करते हैं। रात्रि विश्राम किए, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सभा बैठी। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी से, तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजीता, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात। हे भरत, सभी संकोच का त्याग करके अपने बड़े भाई जो कृपा के धाम हैं, उनसे सारे अपने मन की बात को कह दो। भरत जी बड़े संकोच में पड़ गए, गुरुदेव जी ने तो हमको ही आगे कर दिया। लो अरे, आप ही कह देते कि राम जी तुम अयोध्या चलो, अब मेरे को बना दिया बलि के बकरा, अब क्या करें। राम जी के सामने कभी आज तक हमने जवान नहीं खोली, आज हमको बोलना पड़ेगा। गुरुदेव के सामने, सब सभासदों के सामने हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या कहूं, राम जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि मैं राम जी की जगह पर 14 वर्ष वन में रह लूंगा, श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी अयोध्या चले। मेरे को यह मंजूर है। गुरुदेव ने कहा कि देखो भरत, ये बात तुम ठीक कह रहे हो कि राम जी अयोध्या चले जाओ, उनकी जगह पर तुम रह लो, लेकिन तुमको शत्रुघ्न जी के सहित रहना पड़ेगा और ज्यादा दिन रहना पड़ेगा। 14 साल के लिए तो इनके लिए है, तुमको ज्यादा रहना पड़ेगा। भरत जी बोले, कानन करो जन्म भरी बासु। महाराज, हमारे वन में रहने के बदले यदि राम जी अयोध्या जाते हैं तो 14 साल तो क्या, मैं पूरे जीवन वन में रहने को तैयार हूं, लेकिन राम जी अयोध्या लौट जाए। गुरुदेव प्रसन्न हुए भरत जी के प्रति। राम जी गुरुदेव के प्रेम को देखकर भरत जी के प्रति
गदगद हो जाते हैं। उसी समय किसी ने समाचार दिया कि जनक जी महाराज आ रहे हैं। राम जी संकोच में पड़ जाते हैं। जनक जी की अगवानी की, जनक जी आए, पुनः सभा बैठी, बहुत मंथन हुआ, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। अंत में यह निर्णय हुआ कि राम जी वन में रहेंगे 14 सालों तक और भरत जी अयोध्या जाएंगे, क्योंकि सेवक का काम होता है स्वामी की सहायता करना। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल दे उसकी मति नीच मानी गई है। भरत जी ने स्वामी को संकोच में डालना उचित नहीं समझा, मान गए कि ठीक है हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन प्रभु कुछ हमको आश्रय तो प्रदान कीजिए। भरत जी कहते हैं कि ये जो हमने आपके अभिषेक के लिए तीर्थों का जल लाया है उसका क्या करूं। अत्रि जी ने कोई कुआं बताया प्राचीन, उस कुएं में उस जल को डलवा दिया, उस कुएं का नाम पड़ गया भरत कूप। बोलिए भरत कूप की, आज भी चित्रकूट में भरत कूप है। गंगा जी के समान स्वच्छ जल है, शीतल जल है, बड़ा आनंद आता है, मधुर जल है। आप कभी चित्रकूट जाइए तो भरत कूप में स्नान अवश्य कीजिएगा। भरत जी संपूर्ण अयोध्या वासियों के सहित चरण पादुका को सिर पर धारण करके अयोध्या वापस आ जाते हैं। राम भक्त ले चल रे राम के निशान, राम भक्त ले चल रे राम की निशान। ओ शिष पर खड़ा हो अखियों में पानी, शिष पर खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशान, राम भक्त ले चल रे राम की निशान। शिष खड़ा पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चल रे राम की निशान, राम भक्त ले चल रे राम की निशान। ओ जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाऊं, जी करता बस जाए, जी करता है यही बस जाओ। हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताओ, हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताओ। राम बिन कठिन है घर पर बिताए, राम बिन कठिन है घर पर बिताए। राम भक्त ले चल रे राम की निशान, राम भक्त ले चल रे राम की निशान, राम भक्त ले चल रे राम की निशान, राम भक्त ले चल रे राम की। ओ शिष पर खड़ा हो अखियों में पानी, सिर पर खड़ा हो अखियों में पानी। राम भक्त ले चल रे राम की।
धीर ज्ञानी भावना में बह गए धीर धीर ज्ञानी राम भर चल रे राम राम भर चल रे राम की ओ सिर पर खड़ा वो अखियों में पानी सिर पर खड़ा वो अखियों में प्रभु करी कृपा पावरी दीने 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 सादर भरत शीश धरलीने सादर भरत शीश धरलीने सादर भरत शीश धरलीने सागर भरत शीश धरलीने शीश पर खड़ा वो अखियों में पानी शीश पर खड़ा वो अखियों में पानी राम भर ले चल रे राम राम भर ले चल रे राम की ओ शीश पर खड़ा वो अखियों में पानी शीश पर खड़ा वो अखियों में पानी राम भर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री भरत जी महाराज अयोध्या में आकर के भगवान के चरण पादुका को सिंहासन पर बिठा करके मांगी मांगी आयस करत राज काज बहु भां, मांग मांग करके आज्ञा लेकर के और राज कार्य करते हैं। स्वयं नंदी ग्राम में कुटिया बना करके तपस्या करने लग गए। भगवान के भक्ति में ऐसे मग्न हो गए कि मानो सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया है। एक गौ माता पाल लिए, उस गौ को जौ खिलाते हैं, वो गाय गोबर करती है, उस गोबर को पानी में धुलते हैं, उसमें से एक मुट्ठी दो मुट्ठी जो भी जौ गौ में से निकल गोबर में से निकलता है, उसको धो करके छान सुखा करके कूट करके उसकी रोटी बनाते हैं, उसी का भोग लगा करके ठाकुर जी को फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से भरत जी तपस्या करते हैं। दो दिशी समझी कहत सब लोग सब विधि भरत सराहन जो। उस तरफ श्री राम जी की तपस्या और इस तरफ भरत जी की तपस्या, दोनों को देख करके लोग यही कहते हैं कि भाई भरत की तपस्या बड़ी है, क्योंकि राम जी के पास तो है ही नहीं कुछ, राम जी के पास तो है ही नहीं कुछ, उनके तो मजबूरी है तपस्या करना, लेकिन भरत के पास तो सब कुछ होते हुए भी तपस्या कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
देखिए एक दृष्टांत इस विषय में है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, व्यवहारिक है और हमारे समाज के कल्याण का है। एक कोई संत थे, उस संत के किसी गांव में कोई परिवार शिष्य था। संत बहुत वर्षों से उस घर पर जाते आते थे, पूरा परिवार शिष्य था। एक बार की बात है, बहुत लंबे समय बाद वह संत उस परिवार में गए। उस गांव में अंधेरा हो चुका था, बरसात के समय जिस घर में जाया करते थे उस घर में पहुंचे तो उस भक्त का छोटा लड़का मिला, वो भी शिष्य था। उसने गुरु जी आए हैं स्वागत सत्कार किया, आसन बिछाया, बैठाया, रात्रि को भोजन करवाया, गुरुदेव विश्राम किए, प्रातः काल हुआ, गुरु जी स्नान किए, शिष्य भी स्नान किया, पूजा पाठ करने लग गया। ध्यान से सुनिएगा, ये दृष्टांत बहुत काम के है, समाज में सौहार्द बढ़ाने वाला है। वह शिष्य नित्य कर्म करने के लिए बैठा, कुछ मंत्र का जाप किया, फिर रामायण खोल करके पाठ करने लगा। उस समय रामायण पाठ में अंतिम अयोध्या कांड के अंतिम चल रहा था, उस पाठ के अंतर्गत यही पाठ आया कि अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन सुनि धन जल जाही तेहि पुर बसई भरत बिनु रागा चंचरी कजिम चंपक बागा। लेकिन वो शिष्य बहुत तेज गति से पाठ कर रहा था, जल्दी 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 अवध राज आई दशरथ धन लाई ते पुरवस भरत जिम रागा चंचरी कजिम चंपक बागा। आदि बात समझ में आ रही थी, आदि नहीं आ रही थी। गुरुजी ने कहा बेटा आराम आराम से कर ले पाठ, जल्दी क्या है। शिष्य ने कहा गुरुदेव कोर्ट में जाना है। कोर्ट में क्यों? भाई साहब से केस चल रहा है। केस? बड़े भैया से केस चल रहा है। हाँ, इसलिए जमीन के विवाद में, बंटवारे के मामले में। गुरुजी को बड़ा दुख हुआ, बोले रामायण बंद कर दे और आज के बाद रामायण का पाठ करना मत, और आज के बाद तू मेरा शिष्य नहीं, तू मैं तेरा गुरु नहीं। पहले जमाने के संत ऐसे ही होते थे, कड़क सिद्धांतवादी, शिष्य के कल्याण के लिए अड़ जाते। अब तो हम लोग अलग तरह के गुरु हो गए हैं, शिष्य के सामने हमको झुकना भी पड़ता है, शिष्य की सुविधा के लिए। भैया ठीक है, तेरे को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है तो ठीक है, ऐसा भले चाहे तेरा भला नहीं हो, हम क्या कर सकते, तू अपना भला करना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं। शिष्य ने कहा गुरुदेव क्षमा कीजिएगा। बोले क्षमा हम नहीं करेंगे, एक बात बता, तू अभी अयोध्या कांड के पाठ कर रहा था, उसमें क्या लिखा है? अवध राज सुर राज सिहाही दशरथ धन सुनि धन जल जाही तेहि पुरु बसत भरत बिनु रागा चंचरी की जिमी चंपक बाग। अरे अयोध्या के राज्य को देख करके धनाध्यक्ष कुबेर भी शर्मिंदा होते हैं कि इतना धन हमारे खजाने में नहीं। उस राज्य में भरत जी कैसे रह रहे हैं, जैसे चंपा के बाग में चंचरीक पक्षी वैराग्य पूर्वक रहती थी उस बाग में है, लेकिन देखती भी नहीं चंपा के फूल के तरफ तरफ। अरे मूर्ख, भरत ने
राम जी ने अपने छोटे भाई के लिए पूरा राज्य त्याग दिया, और जब उनके भाई को मालूम पड़ा तो भाई ने भी सब कुछ त्याग दिया। जबरदस्ती करने पर बड़े भाई के चरण पादुका सिंहासन पर पधरा करके और स्वयं जंगल में रह करके भजन कर रहे हैं, और तू जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने पिता तुल्य बड़े भाई से केस लड़ रहा है, और फिर ऊपर से रामायण और पढ़ता है। क्या फायदा रामायण पढ़ने से? बंद कर दे। चेले की बात समझ में आ गई, वो गया ही नहीं। कोर्ट कचहरी के मामला हमको मालूम नहीं है, लेकिन संतों से जैसा मैंने सुना है वैसा बता रहा हूं। वह उसके नहीं जाने पर कोर्ट में क्या हुआ होगा? आवाज लगी, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ा भाई जब शाम को वापस आया इंतजार कर करके तो लड़ने लगा कि क्यों नहीं आया रे, आज तो फैसला और होने वाला था। बड़े भाई के चरण पकड़ते हुए छोटे भाई ने कहा, भैया आज से मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है आपका है। अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं इस घर में रहूंगा, और आप कह दोगे तो मैं इस घर से चला जाऊंगा, जो कुछ भी है आपका। बड़े भाई ने जब छोटे भाई के आंखों से आंसू देखे, उसके वाणी जब सुने, उसका हृदय पिघल गया, छोटे भाई को हृदय से लगा। अरे नहीं रे छोटकू, सब तेरा ही तो है, मेरा कुछ भी नहीं है। आज के बाद सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। तू संभाल, मैं चला जाता हूं परदेश। अब छोटा कहे बड़े से कि नहीं मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका। बड़ा कह रहा कि नहीं सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। दोनों छोड़ने को तैयार है। पहले तो मेरा मेरा के चक्कर में लड़ाई हो रही थी, अब तेरा तेरा के चक्कर में लड़ाई हो रही है। गुरुजी आए, गुरुजी ने समझाया, नहीं बेटा तुम दोनों का है, तुम दोनों मिलजुल कर रहो, इसी में भलाई है, लड़ो। कहने का अभिप्राय है कि देखिए रामायण हमें सिखाती है मिलजुल कर रहना, विवाद करना नहीं, झगड़ा करना नहीं, लड़ना नहीं, सामंजस्य सिखाती है। भरत चरित करिने मैं तुलसी जैसा दर्श नहीं, सी राम पद प्रेम अवसी होई भवरस बिरती। भरत जी के नियम को धारण करके जो कोई जीवन व्यतीत करता है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हो। मूलं धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददं वैराग्यांबुज भास्करं ह्यघघन द्वान्तापहं तापहं मोहांबोधर पूग पाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्म कुलं कलंक शमनं श्रीराम भूपप्रियं। जो धर्म के मूल हैं, जो विवेक के वृक्ष, पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका मुखार बिंद है, जो वैराग्य के साक्षात स्वरूप हैं, जिनका मुख कमल के समान खिला हुआ है, जो पाप के समूह को नष्ट करने वाले हैं, जलाने वाले हैं, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने ब्रह्म कुल के कलंक को नष्ट कर दिया। मैं भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने एक हाथ में धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा है, जो श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित सुशोभित हो रहे हैं।
उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरती पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रती। भगवान शिव कहते हैं हे देवी श्री राम जी का चरित्र गूढ़ है। पंडित और मुनि जन तो इसको सुनकर के वैराग्य प्राप्त करते हैं लेकिन पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। जो मूढ़ बुद्धि होते हैं जो भगवान से विमुख होते हैं वो मोह को प्राप्त करते हैं भगवान के चरित्र को सुन करके ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं। पुनर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरत जी के चरित्र पूर्ववासियों के चरित्र मैंने कहा अब मैं आगे के चरित्र कहता हूं। एक बार चुनी कुसुमा सुहाए चले जाने के बाद श्री राम जी एक बार स्फटिक शिला के ऊपर बैठे हुए थे। पुष्प चुन करके लाए मन में विचार किया कि सीता ब्याह करके जनकपुर से आई लेकिन सुख नहीं देख पाई। कभी मैंने उसको पति का सुख नहीं प्रदान किया। जंगल में आ गई बिचारी कष्ट पा रही है। पति का कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उपाय करे। जंगल में कोई साधन नहीं है। राम जी वन के पुष्प चुन करके ले आए गजरा बनाए माला बनाई हार बनाया और सीता जी के श्रृंगार करने लग गए उस वन के फूल से। सीता जी प्रसन्न है। इसे घटना को इस दृश्य को देवराज इंद्र के पुत्र जयंत देख रहा था जो कौवे के रूप में आया। अरे ये कैसा साधु स्त्री के श्रृंगार करने में लग रहा है और ऊपर से भगवान और कहलाते हैं बड़े बड़े ऋषि महात्मा इनके सामने हाथ जोड़े रहते हैं। ये सब की बुद्धि खराब हो गई। मैं इसकी परीक्षा लूंगा। कौवे के रूप धारण करके सीता जी को सोच मारा। राम जी उस समय सीता जी के जांघ में पैर रख सिर रख करके सो रहे थे। जब खून के धार बही राम जी के पीठ में गरम गरम खून लगी राम जी की नींद खुल गई। देखे सीता जी के शरीर से खून बह रहा है। किसने आघात किया देखा पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है। अच्छा सीक धनुष सहायक संधाना वहां पर सीके पड़ी हुई थी माला बनाने वाली। एक सीक को उठा करके ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया पीछे लग लिया अपने पिता के पास गया। स्वर्ग में उसने भगा दिया कि भग जा नहीं तो मेरा स्वर्ग जल जाएगा। ब्रह्म धाम शिवपुर सवलों का गए
श्रमित व्याकुल भय सोका, काहू बैठन कहा नोई, राखी को सकई राम कर द्रोही। किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा, राम के द्रोही को कौन कहेगा बैठने के लिए। लेकिन नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत विकल हो रहा है, संतों का हृदय कोमल होता है, बुलाया। हा देखिए संसार में आज तक बहुत सारी घटनाएं बताऊं, जिसको कहीं कोई सहारा नहीं मिला, उसको संतों ने सहारा दिया है। ये भैया सिकंजी पिला रहे हो कि कथा में विघ्न डाल रहे हो? शांति से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। संत हमेशा निराश्रित को आश्रय देने वाले होते हैं, जिसको कोई आश्रय नहीं मिलता संत देते हैं आश्रय। नारद जी जिसको सब भगा रहे थे, पिता तक भगा दिया, उसको नारद जी बुला रहे हैं। नारद जी ने कहा जा रहा है? उसने कहा जहां तक जा सकता हूं वहां जा रहा हूं। बोले मूर्ख है, नहीं जा सकता है, मरना पड़ेगा तेरे को। बोले पीछे तो लग रहा है लेकिन मार नहीं रहा है। अरे मारना चाहता तो बहुत पहले मार देता, तेरे को तो शिक्षा दिया दे रहा है बाण, संभल जा। जिसका बाण है उसी के पास जा, वही बचा सकता है, उसके अलावा तीनों लोक में तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। जैन समझ गया, आकर के सीता जी के चरणों में गिर गया। सीता जी ने जयंत को उठा करके राम जी के चरणों में रख दिया। राम जी ने उसके अपराध को देखते हुए एक नेत्र विहीन कर दिया। राम जी उस स्थान को छोड़कर के आगे जाते हैं, अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि ऋषि ने भगवान के स्तुति की, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अथाम नाम सुंदरम भवामनाथ मंदरम प्रफुल्ल पंच लोचनम मदारि दोषम दिनेश वंश मंडलम महेश चाप खंडनम मुनिन्द्र संतरंजनम सुरारि अत्रि ऋषि ने भगवान की स्तुति की, विनती की, हे प्रभो आप हमारे हृदय में निवास कीजिए। उसी समय सीता जी को अनसुईया माता ने अपने पास में बुला लिया और पाति व्रत धर्म का उपदेश किया। फिर दिव्य वसन आभूषण पहरा करके संतुष्ट किया, रात्रि विश्राम किए। प्रातः काल होते ही राम जी अत्रि ऋषि से विदा लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण जी रहते थे, जो बहुत दिनों से राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम जी आए हैं, आ रहे हैं सुनकर के प्रतीक्षा में मार्ग में बैठ गए। कबहु क फिर पाछे पुनि जाई, कबहु क नृत्य करही गोहिं गाई। नाचने लग जाते हैं, कभी आंख बंद करके ध्यान करने लग जाते हैं। जैसे ध्यान कर रहे थे, ध्यान में भगवान आ गए, उसी समय राम जी आए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा,
ध्यान जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान में सुख मिलने के कारण मुनि जग नहीं रहते, राम जी ने अपना रूप छिपा लिया, मुनि व्याकुल होकर जगे, राम जी सामने खड़े हैं, प्रणाम किया, संवाद हुआ, वरदान मांगा। श्री तीक्ष्ण जी ने कहा कि महाराज अब कहाँ जाओगे? राम जी बोले अगस्त ऋषि के आश्रम में। श्री तीक्ष्ण जी बोले मैं बताऊंगा रास्ता, आप चलो। राम जी हंसने लग गए, चतुराई जानता हूं, दोनों अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। पीछे राम जी को छोड़ करके दौड़ करके तीक्ष्ण जी गुरु जी के पास जाकर के बोले नाथ को सेला भी से तुम्हारा कोशलाधीश राम जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। सुनत अगस्त तुरंत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। अगस्त जी सुनते ही उठकर दौड़े, राम जी की अगवानी की, राम जी ने साष्टांग प्रणाम किया, अपने आश्रम में लेकर के आए, रात्रि विश्राम किए, प्रातः काल संध्या मंदनानी से निवृत्त होकर के आगे चले। सर्वंग ऋषि मिले, सर्वंग ऋषि भगवान के सामने ही अपने शरीर का योगाग्नि में त्याग करके ब्रह्मधाम को चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्पश्चात आगे चल करके भगवान ने विराध का वध किया और कवंद नामक दैत्य का उद्धार किया। इस प्रकार से राम जी पंचवटी में पहुंच गए। पंचवटी में जाकर के कावेरी नदी के तट पर कुटिया बनाकर के निवास करने लगे। एक दिन सवेरे सवेरे सूप न खा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय खा, जो रावण की बहन थी सर्पणी के समान थी, ऐसी दुष्टा थी। एक बार पंचवटी में आई, राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गई। सुंदर राक्षसी का रूप त्याग करके सुंदर स्त्री के रूप बना करके मटकती हुई राम जी के सामने आई और राम जी के बड़ी प्रशंसा करने लगी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग रचा बिचारी, तेरे जैसे कोई पुरुष नहीं तो मेरे जैसे कोई स्त्री नहीं, यह विधाता ने संयोग विचार कर बनाया है। देखो मैं दुनिया भर में ढूंढी अपने लिए दूल्हा, लेकिन कोई नहीं मिला मेरे को, तुमको देखकर कुछ कुछ मेरा मन मान गया, मेरे अनुरूप हो, अब तुम मेरे साथ विवाह कर लो। मत छोड़ आई लंका को राज, राम जी तेरे लिए, मत छोड़ आई लंका को राज, राम जी तेरे लिए, मत छोड़ आई लंका को राज, राम जी तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका को राज, राम जी तेरे लिए। भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, छोड़ा मैंने छोड़ा सकल संसार, राम जी तेरे, मैंने छोड़ा सकल संसार, राम जी तेरे। Lanka Koraj,
को छोड़ा तू महलों को छोड़ा महलों को छोड़ा तू महलों को छोड़ा महलों को छोड़ा तू मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा को तुम परिवार मैंने छोड़ा को तुम परिवार राम जी तेरे भक्तवत्सल भगवान की जय। राम जी ने जैसे ही सुना कि यह कन्या अपने लिए बड़ ढूंढती डोल रही है, राम जी नीचे देखने लग गए। उसने कहा, राम जी ने कहा कि देखो मैं विवाहित हूं, मेरा भाई कुंवारा है, उसके पास चली जाओ। तो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको रानी बनना है कि दासी? सुपनखा बोली रानी। बोली मेरे साथ अगर ब्याह करोगी तो दासी बनोगी, क्योंकि मैं प्रभु समर्थ कौशल फुल राजा, जो कछु करे नहीं सब सा। वो समर्थ है, राजा है, मैं तो उनका नौकर हूं, दास हूं। तू मेरे साथ ब्याह करेगी तो नौकरानी बन जाएगी, और उनके साथ ब्याह करेगी तो रानी बन जाएगी। बोली मैं तो रानी बनूंगी, नौकरानी नहीं बनना है, जा वहीं पर। गई, उसने विचार किया, सारे प्रसाद के जड़ ये स्त्री है। सीता जी के तरफ भयंकर रूप बना करके खाने को दौड़ी। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। पहले सांकेतिक भाषा की भी पढ़ाई होती थी। राम जी ने सैन भाषा में समझाया, स्वर ऊपर स्वर्ग, ऐसे उंगली घुमाया, ऐसे करके ऐसे उंगली घुमाया, ऊपर माने स्वर्ग, ऐसे माने दिशाएं। स्वर्ग का एक नाम है नाक, नाक पिना कई संग सिधाए,
स्वर्ग का एक नाम है नाद और दिशाओं के एक नाम है श्रवण। राम जी ने ऐसे बोले नहीं, क्योंकि बोलने पर तो सावधान हो जाती। राम जी ने इशारे में ऐसे करके और ऐसे घुमा करके ऐसे कर दिया। लक्ष्मण जी समझ गए, कृपाण निकाल करके इसके नाक कान काट दिए। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जन स्रव शैल गेर के धारा। रोती हुई बिलकती हुई खरदूषण तिश्रा के पास गई। खरदूषण तिश्रा के पास में 14,000 ऐसी सेना थी जिसको कोई भी नहीं मार सकता था। वो आपस में ही मर सकते थे, बाहर के कोई आदमी नहीं मार सकता था। राम जी से भयंकर युद्ध होता है। अंत में राम जी ने देख ही परस्पर राम करी संग्राम रिपुदल लड़ी मरे। ऐसी माया फैलाई कि आपस में एक दूसरे को राम के रूप में देखते हैं, प्रहार करके कट कट करके मर गए। राम जी ने थोड़ी देर में सारे शत्रु को निपटा दिया। श्री लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के आए। राम जी समझ गए अब लीला आगे करनी है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए गए थे। राम जी ने सीता जी से कहा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हुई, उनके स्थान पर उनका ही प्रतिबिंब मानो वेदवती नाम की एक कन्या जो हूबहू सीता जी की सकल सूरत थी, जिसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि रावण के वध मेरे ही कारण होगा, वो प्रकट हुई। राम जी की प्रतिज्ञा है कि सीता जी के अलावा अपने बगल में और किसी स्त्री को स्थान नहीं दे सकते हैं। पराई स्त्री आई है तो अब कैसे बैठावे, नहीं बैठावे तो चक्कर पड़ जाए। तुरंत लीला रथ आगे बढ़ाई और सुपनखा रोती हुई रावण के सभा में पहुंची और जाकर के रावण को फटकार लगाने लगी। अरे रावण, करस पान सो वसी दिन राती, सुदी नहीं तब सिर पर आराती। तो दारू पीकर के दिन रात सोने में लगा रहता है, तेरे सिर पर शत्रु आकर के सवार हो चुके हैं, तेरे को कुछ खबर नहीं। अरे रावण, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सतकर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगिनी। सूर्पनखा राक्षसी भले चाहे लेकिन रावण के सामने नीति की बात कर रही है। आप उसको संक्षिप्त में ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सूर्पनखा कह रही है, राज्य नीति के बिना नहीं टिकता है। जिस राजा के पास नीति नहीं है उसका राज्य बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, बिना धर्म के धन टिकता नहीं। जिस व्यक्ति के पास में धन है और धर्म नहीं है, समझ लो कि बस वो धन विदा ही होने वाला है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, धर्म कर्म किए और वो धर्म भगवान को अर्पित नहीं किए तो उस धर्म का जो तत्व है, पुण्य है, वो नष्ट हो जाएगा। देवराज इंद्र चुरा लेते हैं। जब अपन भजन करने के लिए बैठते हैं नित्य कर्म, तो नियम यह है कि उठने से पहले आसन के सामने वाले हिस्से पर एक बूंद जल डाल करके इस अंगुली से उसको स्पर्श करके माथे से लगाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आपका भजन आपको अर्पित है। वो भजन सुरक्षित हो जाता है। और यूं ही अगर उठ जाते हैं तो उस भजन को देवराज इंद्र चुरा लेते हैं, फिर उसका फल हमको नहीं मिलता। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाया। विद्या पढ़ ली लेकिन विवेक उत्पन्न नहीं किया तो वो केवल श्रम हाथ लगा, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए रुपाए, संगते जति
साधु अगर गलत संगत कर ले तो उसकी साधुता नष्ट हो जाती है। संगत जति कुमंत्र ते राजा, और मंत्री गलत हो जाए, गलत सलाह दे तो राजा भ्रष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, पति पत्नी का प्रेम तभी तक टिकता है जब प्रणय हो। प्रणय यानी कि कभी कभी बीच बीच में लड़ाई झगड़ा भी होते रहने चाहिए। जिस पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है प्रेम की, वैसे नहीं मुद्दा बना करके कोई बात को लेकर प्रेम से, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं हो तो पति पत्नी का प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है, केवल एक बंधन बन जाता है कि ठीक है भाई साथ फेरे खाए तो करे भी का, मजबूरी में वो एक छत के नीचे जीते हैं, बाकी दोनों में प्रेम नहीं रहता है। इसको साहित्य की भाषा में प्रणय कोप कहते हैं। कभी पत्नी रूठ जाए पति मनावे, कभी पति रूठ जाए पत्नी मनावे, तो इससे क्या प्रेम बढ़ता रहता है, उसमें ताजगी आती रहती है। आपने भागवत कथा सुनी होगी, भगवान कृष्ण ने भी एक बार रुक्मिणी जी को नाराज कर दिया था ऐसी कुछ बातें कह करके, तो रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई थी। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुणी, कितना ही गुण हो और दारू पी ले तो उसका असर खत्म हो जाता है, इज्जत समाप्त हो जाती। मानते ज्ञान पानते लाजा, मान करने से ज्ञान, कितना ही ज्ञानी हो अगर अभिमान आ गया तो उस ज्ञान के मूल्य समाप्त हो जाता है, और पान दारू पीने से लज्जा और शर्म समाप्त हो जाती है। ना सही बेगी नीति असी सुनी, ये सब जल्दी नष्ट हो जाते हैं। रावण ने इसको उठाकर समझाया, पूछा, उसने परिचय दिया कि अवध निरपति दशरथ के जाए, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के दो बेटे हैं जो आए हुए हैं जंगल में। मैं समझ गई कि रहित निशाचर करी है धरनी, पृथ्वी से राक्षसों को समाप्त करना चाहते, उनके कारण जंगल के वनवासी ऋषि मुनि निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं। रावण ने कहा तूने जाकर के खरदूषण तीसरा से शिकायत नहीं की, वो हमारा चौकीदार है, मैंने बैठा रखा है। बोले करी थी, फिर वो पधार गए ऊपर। अच्छा, रावण को बड़ी चिंता हुई, खरदूषण मोहि संबल बनता तिनई को मारे बिनु भगवंता, क्या भगवान ने अवतार ले लिया है, लेकिन मैं कैसे मानूं, परीक्षा लूंगा। कई लोग परीक्षा लेने के चक्कर में खुद बर्बाद हो जाते हैं, दूसरे के परीक्षा लेने के चक्कर में। अरे सीधी सी बात है, जब खरदूषण तीसरा को मार दिया तो समझ लेना चाहिए भगवान के अवतार हो गया, अब भी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। शुभनखा को समझा बुझाकर भेज दिया, अपने महल में आया, नींद नहीं आई, डर चिंता के मारे रात को ही बेचैनी में चल पड़ा समुद्र किनारे आया, मामा मारिच से मिला, मारिच के सामने सारी कहानी बताई। मारिच ने कहा मान जाओ बात, वो छोटा सा था जब उसने बाण मारा, मैं यहाँ पर आकर के पड़ा, अब तो बड़ा हो गया होगा, अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो अब की बार बचूंगा नहीं, तू ही मान जा मेरी बात भांजे राजा। रावण ने कहा मूर्ख मामा, गुरु जी में मूढ़ कर असी मम बोधा, गुरु के तरह मुझको ज्ञान देता है, बोल मेरे हाथ से मरना है कि उसके हाथ से मरना। मारिच ने विचार किया उसके हाथ से मरने में फायदा है, इसके हाथ से मरने में ठीक नहीं है, ठीक है मैं जाता हूँ। चला गया सोने के मृग बन करके, राम जी के सामने से निकला। सीता जी बोली कि प्रभु यही मृग का सुंदर छाला, इसके सुंदर ख्याल लाकर दो। राम जी उसके पीछे दौड़ते हैं, बहुत दूर ले जाता राम जी को। राम जी ने एक बाण मारा, धराशायी हो गया, लक्ष्मण जी के नाम लेकर बोला। लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते थे, सीता जी भेजी, पीछे से रावण आया, सीता जी का अपहरण करके ले जाता है। अशोक वाटिका में सीता जी को निवास दिया,
राम जी जब लक्ष्मण जी को आते हुए देखे तो बड़ी चिंता हुई। राम जी पहले अशंका जता दिए कि मम मन सीता आश्रम। आश्रम पर दोनों भाई आए, सीता जी को नाप पा करके राम जी रोने लगे। खग मृग हे मधुकर सेनी, खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मेघ मैं, तुम देखी सीता मेघ मैं। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? राम जी रोते हुए जा रहे हैं। गिद्धराज से भेंट हुई, गिद्धराज का उद्धार किया, मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात गिद्धराज ने सबरी जी के कुटिया के पता बताया। सबरी जी के कुटिया में राम जी जाते हैं। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जी पाए। सबरी ने जैसे देखा कि राम जी कुटिया में आए हैं, गुरुदेव के वचन को याद करके प्रसन्न हुई। राम जी को अपनी कुटिया में ले आकर के अपने टूटे फूटे आसन पर बैठाई। कंद मूल फल सुरा साथी दिए राम कहूं आ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बता। कंदमूल फल ले आकर के राम जी को दिया, राम जी ने प्रेम सहित खाया। देखिए पेड़ की कथा कहते हैं लोग, लेकिन यह कथा कहीं किसी भी ग्रंथ में हमको अभी तक नहीं मिली है कि सबरी ने झूठे बेर राम जी को खिलाए, ऐसी कोई कथा नहीं आती है। ठीक है, लोगों का भाव है। हाँ, ऐसी जरूर कथा थी कि चक करके रखती थी, जैसे इस पेड़ के फल मीठा है कि खट्टा। एक फल चख लिया, ये निश्चय कर लिया कि इस पेड़ के फल मीठा है, उस फल पेड़ के फल रख लिया, ऐसा करती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि आधे फल खाया मीठा है तो रख लिया, ऐसा नहीं करती थी। ऐसे झूठे नहीं खिलाई है। इस प्रकार से राम जी सबरी जी के कुटिया में ही रात्रि को विश्राम करते हैं। राम जी को हम सबरी माता के पास विश्राम करने देते हैं। दोनों माता पुत्र को वार्तालाप करने देते हैं आराम से। सबरी मैया भी बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, पेट भर करके मिल लेने देते हैं। और सवेरे राम जी को सबरी जी की कुटिया से विदा करेंगे और कल रावण वध और श्री राम जी का राज तिलक होगा। आप लोग सब पूरी तैयारी से आएंगे और कल राम कथा का विसर्जन भी होगा, यज्ञ भगवान के पूर्णाहुति भी होगी, कल रासलीला का भी समापन होगा, परसों भंडारे के कार्यक्रम है। नंद नंदन की जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार जो भी लोग सहयोग सहयोगात्मक भावना से अपने कदम आगे बढ़ाना चाहें, हाथ आगे बढ़ाना चाहें, शेष एक दिन बचा है कल, कल के दिन अपने हृदय के द्वार को खोल करके और इस महायज्ञ में महापुण्य कर्म में अपनी सेवा प्रदान करें। ये ऐतिहासिक क्षण हमेशा आपको याद करेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, राम दरबार की जय हो। आरती के लिए आ जाए, देखो पहली बात तो ये है कि जितने भी जो यज्ञ में जोड़े बैठे हैं वो सब हमसे मिलके जाएंगे। दूसरी बात ये है कि सब मन को ऐसा लगाओ कि धर्मो धर्म में हो जाए सारा ये पंडाल, सारी दुनिया। अब धर्म को समझ लो, धर्म क्या है? धर्म यही है
कि इसमें कोई भी थोड़ी सी भी मिस्टेक आपके सामने हो तो तुरंत उसको सुधारने की कोशिश करें, और ये समझें कि ये हम ही कर रहे हैं, ये नहीं समझें कि ये कोई महाराज जी कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, ये सोचें कि हम ही कर रहे हैं बस। तो हम जहां जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा फल वही ले सकता है जो एक रुपए चाहे यहाँ नहीं दे लेकिन तन को भी लगा देगा, तो उसका शरीर में कभी बीमारी नहीं होगी। तन पवित्र सेवा की, जो धन लगा देगा उसके धन की कमी नहीं आएगी। धन पवित्र कर दान, और मन को पवित्र हरि भजन में लगा देगा उसको कभी भी किसी भी प्रकार की यम यम चिंतित कामम तम तम प्राप्त होती निश्चितम। जो जो हम कामना करेंगे वो निश्चित आपको प्राप्त हो जाएगी। जो भी आप मांगोगे वो मांग सकते हो। भगवान कौन है? आपकी आत्मा में बसने वाला राम, आत्म राम आपके अंदर है भगवान। ये याद दिलाने के मार्ग हैं, ये हमको जीवन सिखाती है रामायण कि हम कैसे जिए, किस प्रकार से जिए, कैसे हमारे माता पिता से बातें करें, कैसे हम भाई बंधु कुटुंब कबीला से बातें करें। जलाओ जलाओ, अरे प्रज्वलित करो। चंद्रमा मन सो जाति चक्षो सूर्यो अजायत चौथा द्वायुस प्राणस मुखाद अग्निर्जा विशाल प्यारे रघुबर की आरती बने रे विशाल प्यारे रघुबर की।
प्यारे रघुबर की। ओ भरत शत्रुघ्न चवर डुलावे, शत्रुघ्न चरण डुलावे, भरत शत्रुघ्न चवर डुलावे, भरत शत्रुघ्न चमर डुलावे, हनुमान सेवा सुख पावे, हनुमान सेवा सुख पावे, हनुमान सेवा सुख पावे, चर गए देता सब आरती उतारे, मुनि सब आरती उतारे, देव तनुज बोले जयकारे, देव तनुज बोले जयकारे, देव तनुज बोले जयकारे, देव तनुज बोले जयकारे, भक्त खड़े सब निहाल प्यारे रघुबर की, भक्त खड़े सब निहाल प्यारे रघुबर की। ओहो प्यारे रघुबर, तुम्हें सर्वं देव, तुम्हें सर्वं